उत्पाद में 1958 से 1972, 1977 से 1988 और 1999 से 2008 तक सैन्य शासन रहा है। आजादी के बाद से अब तक देश में 34 साल सैन्य शासन रहा है। पाकिस्तान का पहला सैन्य तानाशाह अयूब खान 1958 से 1969। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लागू कर अयूब खान को मुख्य प्रशासक बना दिया। 27 अक्टूबर को अयूब खान ने अपने जनरलों को भेजकर इस्कंदर मिर्जा को गिरफ्त में लेकर पूरी तरह से सियासत पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का दूसरा सैन्य तानाशाह यहिया खान 1969 से 1972। अयूब खान ने अपने वफादार यहिया खान को 7 रैंक का प्रमोशन जल्दी जल्दी देकर आर्मी चीफ बनाया था। जब अयूब को सत्ता छोड़नी पड़ी तो उन्होंने यहिया को देश की कमान सौंप दी। पाकिस्तान का तीसरा सैन्य तानाशाह जियाउल हक 1977 से 1988 तक। जुलाई 1977 में भुट्टो को सेना ने गिरफ्तार कर लिया और जनरल जियाउल हक ने सत्ता संभाल ली। हालांकि तख्ता पलट में खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन बाद में तमाम दबावों को दरकिनार कर हक ने 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी। पाकिस्तान का चौथा सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ 1999 से साल 2008। अक्टूबर 1999 में आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर तख्ता पलट दिया। 20 जून 2000 को मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया। आर्मी चीफ का पद भी अपने पास ही रखा। फरवरी 2008 में हुए चुनाव में मुशर्रफ समर्थक पार्टियों की हार हुई। कई गंभीर आरोप लगे। महाभियोग प्रस्ताव लाने के फैसले के बाद 18 अगस्त 2008 को उन्होंने इस्तीफा दिया।